हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंह डांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक कमेंट के ऊपर, जो एक बच्चे का कमेंट आया था मेरे पास, जिसका नाम है ओपी हिस्ट्री गेमर। इस बच्चे ने कमेंट किया है कि सर, ट्राइंगल वाला चैप्टर बहुत लेंदी है और इसके अंदर एक दिक्कत आती है हमें कि कैसे, कौन से ट्राइंगल को हम सिलेक्ट करके उनको सिमिलर प्रूव करें या फिर कोई भी थ्योरम अप्लाई करें या फिर ट्राइंगल का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। ये सारी बातें उसने मेंशन की, तो ये बात मुझे पहले से पता थी। बट ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी बच्चे को कुछ आती है तो मुझे बता दो, कमेंट करके बता दिया करो, किसी भी चैप्टर में हो, ताकि अगर मैं फर्दर उस चैप्टर पे कोई वीडियो बनाऊं तो मैं उस पॉइंट को कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है, मुझे जितना बेसिकली देखो, मैं भी बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ, जितनी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो सारी बातें बच्चों से ही कनेक्ट होकर वहाँ पर आती हैं तुम्हारे पास, समझ रहे हो। वीडियो में बच्चों से कनेक्ट होकर आती है कि बच्चे को कहाँ कहाँ डाउट आता है, उस चीज़ को कैसे मुझे समझाना है और वो कैसे इजीली बच्चों तक पहुँच पाए, भाई तुम उस चीज़ को कैप्चर कर पाओ। अब देखो भाई साहब, सिंपल सी बात यही है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर के अंदर अगर आपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, चाहे आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, समझ में देखो थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ में आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता। बट कहने का मतलब ये है कि आपको पता तो होना चाहिए उस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं और क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हम उस चैप्टर की ट्रिक्स पे बात करें तो हमारे लिए एकदम 100% वो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है। बट बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि फटाफट इस चैप्टर का कोई वन शॉट या ट्रिकी वीडियो देख लेते हैं और हमारे को ट्राइंगल के क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने अगर 100 क्वेश्चन कर लिए तो मुझे ट्राइंगल के क्वेश्चन आ जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है किसी भी चैप्टर के लिए। भाई अगर टोटल 100 बच्चे हैं तो उसमें से 5 या 10 बच्चे उस बातों को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, बट 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ का समाधान यही है, बच्चा आपको अगर नहीं आता है तो पहले उसको सीखना पड़ेगा। अगर देखो आपका दिमाग उतना ही सोच सकता है जितना उसके अंदर है। भाई जैसे आपको अगर दुबई की रस्तों के बारे में पूछा जाए तो आप कभी दुबई गए नहीं, तो आपका दिमाग कैसे बताएगा आपको। तो वही बात यहाँ पे आपकी स्टडी में भी अप्लाई होता है, जब तक आपकी नज़रों के सामने से वो चीज़ें जाएंगी नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आपको, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो या आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ें, तो उससे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अप्लाई क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का, किससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे, और मैंने इस बच्चे की बातों को मेंशन करके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा ट्राइंगल के, उसके अंदर मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस टाइप से हमें सोचना है। और बाकी अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी आप जाके एग्जाम्पल्स के वीडियो बनाए हुए हैं, 7.3 तक एक्सरसाइज की वीडियो भी हैं और एग्जाम्पल्स की वीडियो, बाकी की एग्जाम्पल्स की वीडियो हैं, आप एक बार उनको चेक कर लो। फिर भी अगर कोई फर्दर डाउट आ रहा है कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको मेंशन करके उसके अकॉर्डिंग, मेंशन का मतलब है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी अपना आरडी शर्मा के अंदर चैप्टर नंबर जो चल रहा है, चैप्टर जो चल रहा है वो न्यू और ओल्ड दोनों से मिक्सअप चल रहे हैं। अभी मैं ओल्ड भी बता रहा हूँ, न्यू भी बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है तो उनके सोल्यूशन भी उनको प्रोवाइड करवाने और न्यू वालों को न्यू का भी करवा रहा है। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी बातों को शेयर करते रहें ताकि मैं उनके ऊपर अच्छे से अमल कर पाऊँ, तुम्हें समझा पाऊँ चीज़ें, समझ रहे हो बातों को। तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि चैनल कैसा आपको लग रहा है, क्या इसके ऊपर जो डेटा आ रहा है वो आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर बस आप बस सोल्यूशन देख रहे हो ना। हेल्प करने का मतलब यही है कि चीज़ों को लंबे टाइम तक याद कैसे रखें, तो उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, किसी चैप्टर में, या किसी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट के भी आपको प्रोवाइड कर भी रहा हूँ और अच्छे से उसके अंदर कुछ ऐड करके प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।